ગુજરાતની રાજનીતિમાંથી મોટા સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે. એઆઈએમઆઈએમ ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં ઉતરશે. જી હા, અમદાવાદની મુલાકાતે આવેલા અસરુદ્દીન ઓવૈસીએ આ મોટું નિવેદન આપ્યું છે. તેમણે કહ્યું કે ગુજરાતની આગામી ચૂંટણીમાં અમે પૂરી તાકાતથી લડીશું. કેટલી બેઠકો પર અમે લડીશું તે આગામી સમયમાં જાણ કરવામાં આવશે. ગુજરાત સંગઠને બેઠકો નક્કી કરી છે, તેના પર લડવામાં આવશે. ઓવૈસી આજે સાબરમતી જેલમાં બંધ તેવા યુપીના ગેંગસ્ટર અતિક અહમદને મળવા માટે આવ્યા હતા, જો કે તેમને મળવાની મંજૂરી નહોતી મળી. ઓવૈસીના આગમન સાથે અમદાવાદની રાજનીતિમાં પણ હલચલ જોવા મળી રહી છે. ઓવૈસી અમદાવાદના દાણી લીમડાના કોંગ્રેસના કાઉન્સિલર શહેજાદ ખાન સાથે મુલાકાત કરતા અનેક અટકણો પણ તેજ થઈ છે. જો કે આ મામલે અમદાવાદ શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ ચેતન રાવલે કહ્યું કે અમદાવાદ મહાનગરપાલિકામાં ચૂંટાયેલા કોંગ્રેસના તમામ કોર્પોરેટર અકબંધ છે. એઆઈએમએમના ચીફ જે અસદુદ્દીન ઓવૈસી જે હાલ અમદાવાદની મુલાકાત છે, ત્યારે ખાસ કરીને જે અતિક અહેમદ છે તેમને મળવા આવ્યા છે, ત્યારે તેમના સાથે વાત કરી. અસદ સાહેબ, પહેલાં તો એ પૂછના ચાહૂંગા, આપ અતિક અહેમદ કો મિલના આયે થે, મિલને નહીં દિયા ગયા, ક્યા કહો? આપ દેખિયે, યે બડી અફસોસ કી બાત હૈ કે ઓર તાજુબ ફૈઝ ભી હૈ, સબકો મિલને દિયા જા રહા હૈ, હમકો નહીં મિલને દિયા જા રહા હૈ. અચ્છા, હમ જેલ કો જાકર સુપરિટેન્ડન્ટ સાહેબ સે મિલના ચાહતે થે, વો ભી પોલીસ ને કહા નહીં જા સકતે, આપ ડિટેન કર લેંગે આપકો, रोक दिया गया हमको कई देर तक होटल के अंदर. तो खैर, उत्तर प्रदेश जनता देख रही है कैसे बीजेपी अतीक साहब से मुलाकात को हमारी रोक दी. कुछ कांग्रेस के नेता हैं, एमएलए से, उनका भी अभी ही ट्वीट आया है कि एक ये फ्लॉप शो रहा आपका जो अहमदाबाद दौरा था. वो अभी तो शो शुरू ही नहीं हुआ ना, जब शो शुरू होगा तो देखेंगे. अभी तो शो शुरू नहीं, अभी तो हम खाली आए थे. नहीं, काफ़ी मात्रा में आपके समर्थक थे, जो कॉरपोरेटर जीते थे उनको लेकर आए थे, एक रोड शो भी होने वाला था, वो फ्लॉप शो. ना ना, रोड शो था ही नहीं. कहाँ रोड शो था भाई, दरियापुर में दो जगह पर गए ऑफिस में, वहाँ लोग थे मिलना हमारे पार्टी के, मिल लिए, और यहाँ कॉरपोरेटरों की मीटिंग है. अभी तो शो शुरू नहीं हुआ, तो पेट में दर्द शुरू हो गया. जब शो शुरू होगा तो मालूम होगा. AIMIM जो बाहुबली नेता है, अतिक अहमद को लेकर क्या इलेक्शन लड़ेगी और जीतेगी लगता है आपको? बराबर लड़ेंगी इलेक्शन, बराबर वो टिकट अगर पूछेंगे तो टिकट भी उनको देगी, और पूरी कोशिश करेंगे. हमको यकीन है कि इंशाल्लाह ताला उत्तर प्रदेश में हमको कामयाबी मिलेगी. हमारे उम्मीदवार विधायक बनकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाकर मुसलमानों की एक तकलीफ को, मुसलमानों की हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ेंगे. यहाँ के कांग्रेस के मुस्लिम एमएलए से उनका सीधा सीधा आप पर आक्षेप है कि जहाँ जाते हो वहाँ पे भाजपा को तो फायदा होता है लेकिन कांग्रेस को ज़्यादा नुकसान होता है. ये दीवाने हैं ना, इनको दिमाग ही नहीं है, इनको सोचने का सलीका नहीं है, और इनको इजाज़त भी नहीं है. जिस पार्टी में है उनको सोच ही नहीं सकते वो बेचारे. 84 से गुजरात में कोई मुस्लिम एमपी नहीं जीतता है, वो मैं जिम्मेदार हूँ. इनका लीडर राहुल गांधी हार गया अमेठी में, मैं जिम्मेदार हूँ. हैं, तो इनको ये सोचना चाहिए ना, तुम हार क्यों रहे हो? कॉरपोरेशन की यहाँ के इलेक्शन में चार जो कैंडिडेट आपके जमालपुर से खड़े गए थे, वहाँ पे कांग्रेस की सेफ सीट थी, वहाँ पर आक्षेप है कि सीधा सीधा वहाँ कांग्रेस जीत रही थी, तो वहाँ पर ओवैसी जी की पार्टी आई, भाजपा को सीधा सीधा फायदा कराया और कांग्रेस के चारों सीटें चली गई, वो सेफ सीट थी. नहीं तो इसका मतलब ये है कि इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए. इलेक्शन आप लड़ेंगे तो कोई जीतेगा कोई हारेगा ना भाई. दूसरे का जीते क्यों नहीं तुम? दूसरे का जीत जाते ना मुस्लिम इलाके. अरे भाई, अब हिंदू इलाके में जब मैं तो बात नहीं कर रहा हूँ मुस्लिम हिंदू की. आप जब सवाल कर रहे हैं तो क्या सिर्फ क्या मुसलमान ही वोट देता है चुनाव में, दूसरा नहीं देता? वो वोट क्यों नहीं मिल रहा तुमको? हम क्या तुम्हारे गुलाम हैं? क्या तुमने हमको पकड़ के रख लिया, क्या होस्टेज बना के रखा है, कैदी हैं आपके? चुनाव लड़ेंगे, जनता तय करेगी. क्या करेंगे हम क्या क्या बाण बाजा की पार्टी है? मुसलमान क्या बैंड बाजा पार्टी है कि भाई दूल्हे के सामने बैंड बाजा बजाएंगे और दूल्हा चले आएगा दुल्हन को लेकर, हम लोग अपना बाजा ले घर चले आएंगे? वैसा नहीं होने वाला है. राजनीति तब्दील हो चुकी है. आखिरी सवाल, किस तरह अगर अब जो इलेक्शन आने वाला है उसमें किस तरह लड़ा जाएगा, कितनी सीटों पर लड़ा जाएगा? इसका फैसला साबिर साहब हमारे जो गुजरात के प्रेसिडेंट हैं वो करेंगे, और हम वही देखने आए हैं कि कैसा हमारा संगठन है, उसको कैसे मजबूत किया जा सकता है कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में हम अच्छी तैयारी के साथ इलेक्शन लड़ेंगे. તો આ હતા અસદુદ્દીન ઓવૈસી. તેમણે ખાસ કરીને જણાવ્યું કે જે વિધાનસભા ઇલેક્શન છે તેમના સાથે પૂરજોશથી તે ફરીથી ઇલેક્શનમાં રીકનવર્સ છે. કેમેરામેન અમિત સાથે, જાવેદ સૈયદ, ઝી મીડિયા, અમદાવાદ. કોઈ પણ વ્યક્તિને
मिली सके एना गमे कारणों होई सके राजकीय होई सके सामाजिक होई सके व्यक्तिगत होई सके कंई पण होई सके एटले ज्यां सुधी अमारा काउंसिलर श्री शहजाद खान पठाण एमनी आ जे आप कहो छो एक मुलाकात थई छे ओवेसी साथे ए विषय कोईपण प्रतिक्रिया अत्यारे करवी ए मने एम लागे छे के मारा माटे योग्य नथी उतावळ भरेलू पगलू कहेवाशे એટલે જ્યાં સુધી મને શહેજાદ ખાન પાસેથી કોઈક માહિતી ના મળે કોઈક વાત ના થાય ત્યાં સુધી મારે પ્રતિક્રિયા આપવી એ યોગ્ય નથી.